डॉक्टर दीपशिखा श्रीवास्तव, उत्तर प्रदेश, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज में राजनीति विज्ञान विषय में प्राध्यापिका के पद हूँ और आप सभी को विषय के पीजी प्रोग्राम के बारे में बताना चाहती हूँ। और जैसा कि आपको पता होगा कि आपके विषय में कुल 10 प्रश्न पत्र हैं, जिसमें से द्वितीय प्रश्न पत्र की दूसरी इकाई प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं के बारे में बताने जा रही हूँ। आप सभी जानते होंगे कि हमारा प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन बहुत पुराना चिंतन है, जिसे कि पाश्चात्य चिंतन से भी पूर्व का कहा गया है, जिसकी जानकारी हमें वैदिक काल से ही देखने को मिलती है। भारत की शासन पद्धति के बारे में जानकारी का स्रोत प्राचीन साहित्य, वेद, उपनिषद, पुराण, उत्तर वैदिक साहित्य, महाकाव्य और जैन ग्रंथ आदि रहे हैं। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताएं, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि हमारा जो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन है वो बहुत ही प्राचीन है और प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की परंपरा पश्चिमी राजनीतिक चिंतन से भी अधिक पुरानी है। परंतु प्राचीन भारतीय राजनीतिक दर्शन को पश्चिमी विद्वानों ने यह कहकर भी नकारा कि हमारा जो भारतीय चिंतन है वो पूरी तरह से धर्मशास्त्र और अध्यात्मवाद पर केंद्रित था। और कुछ विद्वान जैसे कि मैक्स मूलर है, ब्लूमफील्ड है, डनिंग है, उन्होंने यह कहकर भी हमारे भारतीय दर्शन को नकारा कि हमारे राजनीतिक चिंतन में दर्शन में राजनीतिक चिंतन का अभाव है। लेकिन पश्चिमी विद्वान की ये बातें भी हमें भ्रमपूर्ण लगती हैं, क्योंकि हमारा जो भारतीय दर्शन है वो प्लेटो और अरस्तु के विचारों से शताब्दियों ही पहले लिखा जा चुका था और भारतीय राजनीतिक दर्शन का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि यहाँ की सभ्यता और संस्कृति और हमारा धर्म है। भारतीय राजनीतिक चिंतन की जानकारी के लिए बहुत सारे स्रोत हैं जिनसे कि हमें भारतीय चिंतन के विषय में जानकारी मिलती है, जैसे कि हमारा वैदिक साहित्य है, हमारा जैन बौद्ध साहित्य है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, कामंदक का नीति सार है, शुक्राचार्य की शुक्र नीति है और रामायण महाभारत जैसे महाकाव्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनसे हमें विषय में भारतीय दर्शन के विषय में जानकारी मिलती है। हमारे भारतीय राजनीतिक दर्शन और संस्कृत के व्यवस्थित अध्ययन की शुरुआत 18वीं शताब्दी के अंत से ही मानी जाती है और बंगाल में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के बाद हमें वहाँ पे नए राजनीतिक विचारों की शुरुआत हुई और उनको एक नई दिशा मिली, जिससे कि हमारे भारतीय चिंतन के विषय में जानकारी मिलती है कि वो 18वीं शताब्दी के अंत से हुई। भारत में 1784 में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई और उसके बाद विचारों को एक नई दिशा मिली। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भी विद्वानों ने भारतीय दर्शन पर काफ़ी संख्या में बहुत सारी पुस्तकें लिखीं, जिसमें कह सकते हैं कि मनु से लेकर महात्मा गांधी तक भारतीय राजनीतिक चिंतन और विचारधारा का कि एक नई परंपरा का शुरुआत हुई। प्राचीन भारतीय चिंतन पर सनातन धर्म अर्थात कह सकते हैं हिंदू धर्म का बहुत प्रभाव रहा है। प्राचीन भारत की शासन पद्धति के बारे में
हमें जो भी जानकारी मिलती है उसका आधार स्रोत यहाँ के साहित्य, हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य आदि हैं। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से हमें भारतीय चिंतन की व्यवस्था एवं चिंतन परंपरा के संबंध में जानकारी मिलती है और महाभारत को भी भारतीय राजनीतिक चिंतन के महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है। कह सकते हैं उस काल के चिंतन और उस समय की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन के स्रोत के रूप में बौद्ध साहित्य का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध साहित्य में राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें जानकारी मिलती है, लेकिन कुछ ऐसे बौद्ध साहित्य हैं जिनमें प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की व्यवस्था के संबंध में जानकारी मिलती है। गौतम बुद्ध के सारे चिंतन और बौद्ध साहित्य पे समाहित हैं, जिनका संबंध भारतीय राजनीतिक चिंतन से जोड़ा जाता है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं के रूप में हम कुछ प्रमुख बिंदुओं को बताना चाहते हैं। जैसे पहला है राजतंत्र की प्रधानता, दूसरा है राजा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, दंड नीति का महत्व था, धर्म पर आधारित राजनीति थी, धर्म और राजनीति का घनिष्ठ संबंध था, राज एक आवश्यक और उपयोगी संस्था है, भारतीय राजदर्शन आदर्शवादी ना होकर व्यवहारिक था और राज्य की दैवी उत्पत्ति, राजतंत्र की प्रधानता। भारतीय राजनीतिक चिंतन में राजतंत्र की प्रधानता देखने को मिलती है। राजनीति का वर्णन करने वाले सभी भारतीय ग्रंथ राजा को केंद्र बिंदु बनाकर उसके अनुसार विचार करते हैं। राज्य की उत्पत्ति का विचार राजा की सर्वप्रथम नियुक्ति के रूप में बताया गया। वैदिक काल में राजतंत्र में लोक कल्याणकारी राजा का विचार था। राजा को देवता के समान माना जाता था, वो प्रजा का रक्षक था, राजा धर्म रक्षक था, राजा को समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, राजा के पद को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया था और राज्य का सार राजा होता था। राजा को ईश्वर के समान माना गया एवं प्रजा का कर्तव्य था कि वो राजा की आज्ञा का पालन करे और राजा का कर्तव्य था कि वह अपने प्रजाजनों को ऐसी परिस्थितियां प्रदान करे जिसमें कि वह अपने चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि कर सके और एक शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सके। दंड नीति का महत्व, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में दंड व्यवस्था को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था और महाभारत के शांति पर्व में भीष्म कहते हैं कि संसार में यदि दंड व्यवस्था ना होती तो हर कोई एक दूसरे का शोषण करता, कोई भी सुरक्षित नहीं रहता। कौटिल्य का अर्थशास्त्र दंड नीति को बहुत महत्व प्रदान करता है। वहीं पे मनु के अनुसार भी दंड शासक था। प्राचीन भारतीय इतिहास का अध्ययन करने पे पता चलता है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन में आध्यात्मिकता का भी प्रभाव रहा है। कहा गया है कि राज्य में जब अराजकता व्याप्त होती थी राजा का उद्भव हुआ जिससे वह प्रजाजनों साधुजनों की रक्षा कर सके। धर्म पर आधारित राजनीति, प्राचीन हिंदू शासन व्यवस्था का अध्ययन करने पर यह हम पता चलता है कि उस समय की जो शासन या कानून प्रणाली थी
उस पर धर्म का स्पष्ट प्रभाव था। राजनीति को सदैव धर्म से जोड़कर ही देखा गया है। प्राचीन भारत में धर्म का प्रभाव रहने से राजनीति में नैतिकता का भी समावेश रहा है और प्राचीन भारतीय राजनीतिक शास्त्री एक लोक कल्याणकारी राज्य में यकीन करते थे। प्राचीन भारतीय राजनीतिक शास्त्री इस बात पर भी सहमत थे कि राज्य के लिए, राज्य का होना सामाजिक जीवन के लिए सर्वथा आवश्यक और उपयोगी है। राजा का कर्तव्य था कि वो धर्म के अनुसार ही अपना आचरण करे। धर्म और राजनीति का घनिष्ठ संबंध। प्राचीन भारतीय राजनीति में सभी कुछ धर्म के द्वारा प्रचलित था। धर्म एक बहुत व्यापक शब्द था। इसी कारण हिंदू राजनीतिक शास्त्रियों ने राजनीति को कभी भी धर्म से अलग नहीं किया। धार्मिक पुस्तकों में केवल यही नहीं बताया गया है कि राजा और शासन को क्या करना चाहिए, बल्कि उन्होंने यह भी बताया कि राजा को क्या नहीं करना चाहिए। राज्य में जितने भी पदाधिकारी होते थे, मंत्री, पुरोहित, न्यायाधीश, दूत, सेनापति, सभी का कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया था। भारतीय राजनीति में धर्म का समावेश रहा है, इसलिए राज्य शास्त्र को नीति शास्त्र कहकर भी पुकारा गया है। धर्म की रक्षा करना राज्य का प्रमुख दायित्व था। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, बौद्ध, ईसाई धर्म की दृष्टि से उपयोगी होने के साथ साथ राजनीतिक संस्थाओं और विचारों का भी दिग्दर्शन कराते हैं। इस प्रकार प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में नैतिकता का भी समावेश रहा है। राज्य शास्त्र को नीति शास्त्र कहकर पुकारा गया। धर्म की रक्षा करना राजा का प्रमुख दायित्व था, कर्तव्य था। स्मृति में लिखा गया है कि राज्य की उत्पत्ति ईश्वर के द्वारा हुई थी, इसलिए उसके पास अपार शक्ति और सर्वोपरि सत्ता होती है। ईश्वर ने राजा को कई तत्वों से मिलाकर बनाया है, उसका निर्माण किया। जैसे कह सकते हैं सूर्य, चंद्र, वायु, यम, इंद्र, वरुण और कुबेर के सर्वोत्तम अंशों को लेकर ईश्वर ने राजा का सृजन किया। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि राज्य की जो उत्पत्ति है उसका आधार दैवी था, क्योंकि इसकी रचना ईश्वर के द्वारा की गई है। आशा करती हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और इस संबंध में अगर आपको और जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं और आगे की जानकारी हम आपको अपने अगले वीडियो लेक्चर में देंगे। धन्यवाद।